आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र के मुगाडीह गांव के सुजानगंज प्रयागराज मार्ग पर स्थित विश्वनाथ मंदिर कई दशकों से ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर में स्थित शंकर जी मां पार्वती पर जलाभिषेक कर उनकी आराधना करते हैं। सावन मास में कांवरिया सहित श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन माह में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा कई वर्षों से 2 दिवसीय कांवरियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन होता है। नगर सहित आसपास के गांव के लोग और दूर दराज से भी शिव भक्त शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने आते हैं। मंदिर श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बना है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से शंकर जी और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर का निर्माण महेश चंद्र गुप्त ने 29 जुलाई 1991 में कराया था। क्षेत्र प्रखर विद्वान और कर्मकांडी पंडित लाल प्रताप मिश्र ने मंदिर में शंकर जी और मां पार्वती, कार्तिकेय समेत नंदी गणों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना करवाई थी। मंदिर के बाहर महेश चंद्र गुप्त ने पिता राम खेलावन गुप्त की स्मृति में विश्वनाथ द्वार की स्थापना कराई थी। विश्वनाथ मंदिर की ख्याति दूर तक फैली है। सावन मास में हजारों लोग यहां भगवान शंकर और माता पार्वती का जलाभिषेक करने आते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूबा, कुशा, कनल, नीलकमल, आंख मदार, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। मंदिर के संस्थापक महेश चंद्र गुप्त के पुत्र शिव प्रसाद गुप्त बबलू ने बताया कि जो भी श्रद्धालु शंकर जी मां पार्वती की आराधना कर जो कुछ भी मांगता है वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में कई गरीब परिवार का शादी विवाह, देख दिखाई सहित कई रस्म निःशुल्क होती है। क्षेत्र के विद्वान पंडितों का कहना है कि मंदिर में श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं वो पूर्ण होती है।